श्री गणेशाय नमः। ज्योतिष की प्राचीन पुस्तकों में शनि को बहुत ही भयावह कष्ट देने वाला ग्रह माना गया है। ये भी माना गया है कि जिस भाव का राशिस्थ शनि हो, जिस भाव में स्थित हो तथा जिन भावों में शनि की दृष्टि हो, वे भाव जातक के लिए बहुत ही बुरे हो जाते हैं। जातक उन भावों से संबंधित कठिनाइयों का कष्ट प्राप्त करते हैं, लेकिन यथार्थ रूप से इन सब बातों का कोई महत्व नहीं है। शनि भी अन्य ग्रहों की तरह ही एक ग्रह है और मनुष्य पर इसका प्रभाव भी अन्य ग्रहों की तरह ही पड़ता है। अन्य ग्रहों की तरह ही शनि भी कमजोर या बलवान होता है और कमजोर होने पर बुरा तथा बलवान होने पर शुभ प्रभाव देता है, शुभ फल प्रदान करता है। तो इसी के चलते आप भी सोच रहे होंगे कि आपकी राशि पर शनि का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। कुल मिलाकर के 5 राशियां हैं जिनके लिए कि ये शनि का ढैया, शनि की साढ़े साथी बहुत ही कष्टप्रद बन सकती है। इसकी और जानकारी के लिए ऊपर आई बटन में शनि की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी कि इस 24 जनवरी से शनि का जो ट्रांजिशन होने वाला है, जो मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं, उससे किन राशियों को बहुत ही ज़्यादा भयानक प्रभाव देखने को मिलेगा और किन राशियों के लिए छप्पर फाड़ सफलता मिलेगी। इसकी और जानकारी के लिए ऊपर आई बटन पे इस एपिसोड के एंड होने पर ज़रूर दबा करके देखिएगा, ताकि आपको भी मालूम चल सके कि एग्जैक्टली शनि देव आपके लिए क्या आशीर्वाद लेकर के आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे चैनल तथा आज के दैनिक राशिफल के नए एपिसोड में। आज मैं सबसे पहले उन सभी को बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिनका आज जन्मदिन, शादी की सालगिरह या कोई विशेष यादगार सफलता का दिन है, और खास करके उनको जो शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। आज सबसे पहले मैं आपको ग्रह स्थिति बता देता हूं आज के लिए क्या रहेगी। आज सुबह से ही आपकी राशि में चंद्रमा वृश्चिक राशि में विचरण कर रहे हैं, राहु मिथुन राशि में, मंगल वृश्चिक राशि में स्थित रहेंगे। धनु राशि में 3 ग्रह गुरु, शनि और केतु विराजमान रहेंगे, जिसमें से शनि 24 जनवरी को मकर राशि में प्रस्थान करेंगे। सूर्य और बुध मकर राशि में विराजमान है, शुक्र कुंभ राशि में विराजमान है। आज सुबह से ही कन्या राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे, इससे वृष मिथुन कर्क कन्या वृश्चिक मकर कुंभ और मीन राशि को शुभ फल प्राप्त होंगे। बाकी की बची राशियों को थोड़ी सावधानी से आज का दिन बिताने की ज़रूरत है। इन ग्रह स्थिति के संदर्भ में जानते हैं कैसा रहने वाला है 20 जनवरी का राशिफल। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो आज आपकी राशि से अष्टम भाव में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं, जिसके चलते आज का दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग साबित हो सकता है। आप पूरे दिन किसी न किसी से आज नाराज़ रहेंगे, वहीं पे कोई ना कोई परेशानी से अपने आप को दो चार होते देखेंगे। इसके चलते आपको चिड़चिड़ापन भी महसूस होगा। आज आपके साथ कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं भी घट सकती है। शत्रुओं से सावधान रहने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं कोई प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है तो आपके लिए घातक साबित हो सकती है। परिवार के लोग आपसे नाराज़ रह सकते हैं। आज के दिन मन मुटाव की स्थिति और ज़्यादा गंभीर होती नज़र आ रही है। प्रेमी या जीवनसाथी के साथ थोड़ी अनबन आज आपको देखने को मिलेगी और पैसों की स्थिति सामान्य से ज़्यादा आपको बेहतर होती नज़र आएगी। नौकरी में आज आप सीनियर और जूनियर और अपने कलीग्स सभी पर झुंझलाते नज़र आएंगे। स्वास्थ्य आज के दिन आपका ओके बना रहेगा, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिलने वाला। और आज के लिए आपका लकी रंग रहेगा रोज़ कलर, यानी कि रोज़ रेड, और आपका लकी नंबर रहेगा नंबर 6। बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आज आपकी राशि से सप्तम भाव में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं, जिसके चलते आज आपके साथ सुखद और आश्चर्यजनक घटनाएं घट सकती है। भाग्य का पूरा साथ आज आपको मिलने वाला है, वहीं पे गलतफहमी या ईर्ष्या भी आज आपको देखने को मिल सकती है, अपने आप के अंदर ये महसूस हो सकती है। यथासंभव पारदर्शिता बनाए रखें, यानी कि ट्रांसपेरेंसी बनाए रखें, जो भी कम्युनिकेशन करें या जो भी फीलिंग्स है उसके अंदर। प्रेमी या जीवनसाथी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक आज आप नज़र आएंगे। पैसों की आवक आपके लिए और ज़्यादा अच्छी होती नज़र आ रही है, वहीं पे स्वास्थ्य आज के दिन आपका बेहतर रहेगा। लोकप्रियता, सेंटर ऑफ अटेंशन जिसको बोला जाता है, या तो फिर सबका फेवरेबल पर्सन जिसको बोला जाता है, उसमें आज आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। इस समय कारोबार को लेकर छोटी दूरी की यात्राएं, यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स जो हैं, वो आपको करनी पड़ सकती हैं। आपके द्वारा अपनी पूरी कार्यक्षमता, यानी कि आपकी पूरी कैपेबिलिटी का प्रयोग आपको हर हाल में सफल बनाएगा। इसी के चलते जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं, टीचर्स हैं, या तो फिर टीचर बनने की जो प्रयास में अभी लग रखे हैं, उन सभी के लिए आज सफलता का दिन है। आज के लिए आपका लकी रंग है ग्रीन और आपका लकी नंबर है नंबर 2।
बात करते हैं मिथुन राशि की, तो आज आपकी राशि से षष्ठम भाव यानी कि सिक्स्थ हाउस में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं। आज आप बहुत तेजी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं और बहुत उत्सुक भी रहेंगे इस चीज़ को लेकर के। आपका तरीका और रास्ता भी एकदम सही रहेगा, गलत दिशा में जाकर के एक अच्छा परिणाम नहीं पाने की कोशिश करेंगे। सही से एथिकली और लीगली आप आज प्रयास जो कर रहे हैं उस आपको पूरा परिणाम मिलेगा। जीवन साथी के प्रति आज आप बहुत ही ज़्यादा समर्पित रहेंगे, जो कहा वो सर आँखों पर, ऐसा ही कुछ आज आपका दिन रहेगा आपके जीवन साथी के साथ में, जिसके अंदर दोनों ही बहुत ज़्यादा उत्सुक रहेंगे और प्यार और ज़्यादा बढ़ेगा। पैसों का बहुत ज़्यादा अच्छा लाभ आज आपको देखने को मिल सकता है। वहीं पे स्वास्थ्य भी आपका पहले से और ज़्यादा अच्छा है। जो लोग किसी भी बीमारी से लड़ रहे थे, कोई भी परेशानी थी स्वास्थ्य को लेकर के, तो आज उसमें रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। अब जो लॉन्ग टर्म डिजीज़ है या फिर कोई ऐसी डिजीज़ है जो कभी छोड़ती ही नहीं है बॉडी को, उसके अंदर भी आज आपको बेहतर अपने आप का स्वास्थ्य देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स को हर तरह के लेखन यानी कि राइटिंग एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा अच्छी सफलता मिल सकती है। आज आप बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस भी हैं, तो उसको अपने सही फील्ड में टैप करने की कोशिश कीजिए। जो अपनी महत्वाकांक्षाएँ हैं उसको सही तरीके से सही जगह पर लगाने की कोशिश कीजिए। ये आर्थिक रूप से आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित होगी और लॉन्ग रन में आपको बहुत ही ज़्यादा ऊँचाई भी दिखाएगी। यदि आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं, नौकरी या कारोबार के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो आपके लिए आज वो भी रास्ते खुल जाएंगे। व्यापार में शामिल लोग किसी पुराने मित्र की मदद से आज आगे बढ़ सकते हैं या तो फिर जो प्रॉब्लम चल रही थी उससे निपट सकते हैं। राजनीति या सामाजिक कार्यों से जुड़े लोग खुद को दृढ़ता से स्थापित करने के लिए आज सक्षम रहेंगे। धन संबंधी मामलों में आसानी से आगे बढ़ेंगे और आप अच्छा मुनाफा भी आज के दिन कमा पाएंगे। पारिवारिक संदर्भ में बात की जाए यानी कि आपकी फैमिली लाइफ में अगर बात की जाए, तो आप अपने परिवार के सुखमय जीवन के लिए आज कोई ना कोई परचेज कर सकते हैं। हो सकता है कोई गाड़ी परचेज कर ले, सोफ़ा परचेज कर ले, फ्रिज या माइक्रोवेव या ऐसी कोई ना कोई चीज़ जो हमारी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी के साथ में सूट करें, हम वो करें, तो अपने आप हम देखेंगे घर के अंदर भी सब खुश हैं और एक नई लग्जरी आइटम भी हमारे पास में आ चुका है। आज के लिए आपका लकी रंग है सिल्वर, आपका लकी नंबर है नंबर 1। बात करते हैं कर्क राशि की, तो आज आपकी राशि से पंचम भाव में यानी कि फिफ्थ हाउस में पंचम भाव में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं। आज आपको कुछ ऐसी समस्याएं और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है जो आपने आज से पहले सोची भी ना हो, जिनकी आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी, वो आज अपने आप चैलेंजेस आपके सामने आएंगे। अब उसको निपटने के लिए आपको अपनी क्रिएटिव थिंकिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अपने कामकाज पर पूरा ध्यान बनाए रखें। फाइनेंशियल सिचुएशन या तो फिर इनकम की भी बात की जाए, तो नॉर्मल से आज आपको ज़्यादा अधिक मुनाफा भी देखने को मिलेगा और इनकम में भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं पर एक्सपेंसेस भी आज आपको कम होते हुए नजर आएंगे। स्वास्थ्य आज के दिन आपका बेहतर बना हुआ है और पारिवारिक सदस्यों के साथ मनोरंजन के लिए आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं। आज आपके पास अपने निकट और प्रिय लोगों के साथ अपनी मानसिकता यानी कि अपने थॉट्स शेयर करने का समय मिलेगा। जो मन में चल रहा है, कोई विडंबना है या तो फिर कोई आइडिया है या कुछ अपने मन से हल्का करना था बोझ, तो वो करने के लिए आज आपको समय मिलेगा। प्रेम संबंधों में भी लिप्त जातक जो हैं अपने साथी के साथ भावनात्मक परिवेश में एक नया समीकरण विकसित कर पाएंगे। उससे आपका रिश्ता पहले की तुलना में और ज़्यादा सुखद होगा और ज़्यादा गहरा होता नजर आएगा। आज के लिए आपका लकी रंग है ब्लू और आपका लकी नंबर है नंबर 6। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की, तो आज आपकी राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं, जिसके चलते कैरियर में तो आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा ही, वहीं पे आपको कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। उससे बाकी फील्ड्स जो है वहाँ पे भी, स्टूडेंट्स के लिए बात की जा रही है, वहाँ पे भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आमदनी निरंतर बनी हुई है और व्यय यानी कि आपके एक्सपेंसेस आशा के विपरीत और ज़्यादा बढ़ते नजर आएंगे। खर्चों पर आज आपको फुल स्टॉप लगाने की ज़रूरत है, पीरियड लगाने की ज़रूरत है। जो भी आप एक्सपेंसेस करने वाले हैं उसको एक बार के लिए रोक दीजिएगा। आज स्वास्थ्य का, अपनी हेल्थ का भी आपको बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। और वहीं पर पारिवारिक सदस्यों से असहमति के कारण मन में तनाव से आज का दिन आपके लिए थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव बन जाएगा। महत्वपूर्ण निर्णय यानी कि इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना आपको परेशानी में डाल सकता है। अब इन्हीं सब के चलते स्वास्थ्य भी आज के दिन अगर आपको लग रहा है डोलमोल रहने वाला है, तो आपको अपने खान पान पर भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। गलत जगह पे खाना, गलत खाना खाना और बहुत ही ज़्यादा खाना खा लेना, इन सब से हमें बचना आज ज़रूरी है। आज के लिए आपका लकी रंग है रेड और आपका लकी नंबर है नंबर 9। अब बात करते हैं कन्या राशि की, तो आज आपकी राशि से तृतीय भाव में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं।
इसके चलते प्रतियोगिता के माध्यम से यानी कि कंपटीशन के माध्यम से जो भी हायर एजुकेशन पाना चाहते थे उनके लिए एंट्रेंस एग्जाम्स जो थे या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थे उनमें भी आज आप सबको सफलता मिलेगी। बिजनेसमैन्स के लिए लंबे समय से चली आ रही बहुत ही ज़्यादा कोई गंभीर समस्या थी तो आज उसका भी समाधान अपने आप आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। आपकी आर्थिक स्थिति में आपको सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन आपको अपने खर्चों पर फुल स्टॉप लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप अनमैरिड हैं तो इस समय आपको शादी के अच्छे प्रस्ताव भी मिल सकते हैं। कोई अच्छा कैंडिडेट सामने आ सकता है जो आपके आने वाले समय में ना ही सिर्फ आपके लक को भी बढ़ाए पर आपकी खुद की जो सिचुएशन है, आपकी जो पर्सनल सिचुएशन, जो आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर बात की जाती है, तो उसको भी सुधारने के लिए एक जरिया बन जाएगा। आपका स्वास्थ्य आज के दिन अच्छा बना रहेगा, लेकिन पेट की थोड़ी परेशानी आज आपको देखनी पड़ सकती है। आप अपने शुभ चिंतकों के सहयोग का आनंद लेंगे आज के दिन और आप आज कुछ महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क स्थापित कर पाएंगे, इनिशिएट कर पाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। या तो फिर कोई बिजनेसमैन है, या तो फिर कोई पॉलिटिशियन है, या तो फिर कोई ऐसा इंसान है जो अच्छी जगह पर, अच्छी पोस्ट पर बैठा है, तो ऐसे इंसान से आज आपका नाता जुड़ेगा। प्रेम संबंधों के मामले में आप भाग्यशाली रहेंगे आज के दिन। अगर किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, कोई नया जीवन साथी है, उन कैंडिडेट को अपना प्रस्ताव भेजना चाहते हैं, तो उसमें भी आज आपको सफलता देखने को मिलेगी। जीवन साथी के साथ मीठी नोकझोंक तो हो सकती है जो कि कुछ ही क्षणों की होगी, थोड़ी देर बाद में फिर वही खिलखिलाहट आप दोनों के बीच में दिखेगी और रिश्ता और गहरा होता नजर आएगा। यदि आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, ऑलरेडी जॉब है आपके पास में और दूसरी जॉब ढूंढ रहे हैं, या ऐसे हैं जो कि अभी तक जॉब नहीं थी पर अब जॉब चाहिए है, तो आपके रास्ते में बहुत सारे आज आपको अवसर दिखने नजर आएंगे। अपने मन के हिसाब से उनका सही से चॉइस कीजिए और जो आपके लिए सबसे बेस्ट हो उसको ज़रूर चुनिए, पर इस काम के अंदर ज़्यादा भी आपको देरी नहीं करनी चाहिए। आज के लिए आपका लकी रंग है ब्लू और आपका लकी नंबर है नंबर 7। आइए अब बात करते हैं तुला राशि की। तो आज आपकी राशि से द्वितीय भाव में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं, जिसके चलते आज आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भविष्य की दिशा में कोई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो वो भी आज आप आराम से ले पाएंगे। किसी भी काम में ज़्यादा आपको हड़बड़ाहट नहीं दिखानी है, जल्दबाजी नहीं दिखानी है। बिना बात हड़बड़ाहट दिखा करके काम भी खराब हो जाएगा और किसी और की आपको डांट भी सुनने को मिल सकती है। आज के दिन प्रेमी जोड़े जो हैं वो भी अपने विवाह की बात अपने घर वालों के सामने रख सकते हैं और पैसों की आवक यानी कि इनकम आज आपको अच्छी देखने को मिलेगी। वहीं पे एक्सपेंसेस जो हैं वो आपको घटते नजर आएंगे। हेल्थ की अगर बात की जाए, स्वास्थ्य को लेकर के आज का दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बिजनेसमैन भी आज अपनी बिजनेस एक्टिविटी में देख सकते हैं कि उनके पास में बहुत ही ज़्यादा काम है पर उसे पूरा करने के लिए समय बहुत ज़्यादा कम है। इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, बिजनेसमैन हो गए, दुकानदार हो गए, आर्थिक और सामाजिक प्रतिबद्धता पर आपके आदेशों पर एक मजबूत प्रभाव पड़ेगा। आगे बढ़ने की संभावनाएं और बढ़ेगी और भाई बहनों की सामाजिक स्थिति में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। उससे आपको भी गौरवान्वित फील होगा और वहीं पे फैमिली का भी नाम और ज़्यादा अच्छा बनेगा। आज के लिए आपका लकी रंग है रेड और आपका लकी नंबर है नंबर 1। आइए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आज आपकी राशि से प्रथम भाव में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं, जिसके चलते आज से आपके लिए जीवन का एक नया दौर शुरू हो रहा है। वहीं सोचें और देखें जो आपको चाहिए है, जो आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। प्रेमी या जीवनसाथी के साथ अपने संबंधों में आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलेगा। वहीं पे पैसों की स्थिति भी आज संतोषजनक बन जाएगी। दिन बहुत उत्साह से बीतेगा और व्यावसायिक संदर्भ में यानी कि बिजनेस के अंदर अगर बात की जाए तो नए व्यापार संबंधों और सौदों को अंतिम रूप देने के लिए ये समय अच्छा है। कार्य संबंधी यात्राएं और सहयोग आने वाले महीनों में सकारात्मक परिणाम देंगे। आपका पारिवारिक जीवन भी शांतिपूर्ण और खुशहाल रहेगा आज के दिन। जीवन साथी और बच्चे आपके प्रति बहुत ही ज़्यादा स्नेह दिखाने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा आप पे प्यार बरसाने वाले हैं, तो उसके लिए तैयार हो जाइए क्योंकि आज प्यार की बरसात आप पर होने वाली है। आज के लिए आपका लकी रंग है मरून और आपका लकी नंबर है नंबर 8। बात करते हैं धनु राशि की यानी कि सैजिटेरियस। तो आज आपकी राशि से द्वादश भाव में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं, जिसके चलते आज का दिन आर्थिक लिहाज से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा भारी साबित हो सकता है, लेकिन नौकरी पेशा लोग इससे बचे रहेंगे। आज आपको अपने तेवरों पर यानी कि अपने एटीट्यूड पर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। साथी को लेकर कोई भी नेगेटिव सोच आज ना लाएं अपने पास में तो ज़्यादा बेटर है, वरना बिना बात
आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ में, अपने साथी के साथ में मन मुटाव की सिचुएशन देखेंगे। आज के दिन आपकी हेल्थ को भी अगर देखा जाए तो कमज़ोर दिखेगी, और स्टूडेंट्स आज जितनी ज़्यादा मेहनत करें उतनी कम है आज पर। हताश नहीं होना है, मेरा एक ही चीज़ हमेशा बोलनी होती है स्टूडेंट्स को या किसी को भी, जब खराब सिचुएशन हो तो उसमें हताश नहीं होना है, उसे दूर नहीं भागना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी ऐसी सिचुएशन होती है तो एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ईश्वर उतनी ही परेशानी देता है जितनी वो जानता है कि आप संभाल सकते हैं। वो परेशानी देकर के आपको जांच रहा है कि आगे आने वाला जो समय है जिसमें खुशियां हैं, जिसमें बहुत सारा उन्नति है, उसके आप हकदार हैं या नहीं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे वाला समय बिताने की कोशिश कीजिए। अपने आप को जो भी चैलेंजेस हैं उसे फाइट करने की कोशिश कीजिए। आज वाद विवाद से आपको बचना चाहिए, और वहीं पर काम का दबाव आपको बहुत ही ज़्यादा फील होगा। आज आपकी इनकम से भी ज़्यादा आपको एक्सपेंसेस दिखेंगे और उद्देश्यों को प्राप्त करने में देरी का सामना करना पड़ सकता है। अतीत में आपसे कोई भी गलती हुई थी तो आज उसका मामला भी सरफेस हो सकता है, जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा परेशानी देखने को मिल सकती है, और आप सोच रहे होंगे कि कैसे इस मैटर को मैं कितनी जल्दी दबा सकता हूँ। पर कितना भी कोशिश करेंगे, जो अब सरफेस हो चुका है, जो बात बाहर निकल चुकी है, उसको दबाया नहीं जा सकता। अब एक ही बात आप कर सकते हैं, जो गलत किया था या तो फिर उसको हाँ कर दीजिए कि हाँ मुझसे हुई थी और मुझे माफ़ कीजिए, या तो फिर एक सॉल्यूशन ये है, या दूसरा सॉल्यूशन ये, उसे दूर भागते रहिए और वो आपके पीछे पीछे भागती रहेगी। पर जिस दिन आपको पकड़ लिया उस प्रॉब्लम ने, तो अपने आप पाएंगे कि कितनी ज़्यादा गलत सिचुएशन बन सकती है। आज के लिए आपका लकी रंग है रोज़ रेड और आपका लकी नंबर है नंबर 1। बात करते हैं मकर राशि की। तो आज आपकी राशि से एकादश भाव में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं, जिसके चलते आज आपका दिन काफ़ी बिजी रहने वाला है, लेकिन दिन के अंत में आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड पाएंगे। अचानक लाभ होने के योग भी आज के दिन आपको बनते नज़र आ रहे हैं। खुश रहने का पॉजिटिव इफेक्ट आज आपको अपने रिश्तों पर भी देखने को मिलेगा। पैसों की स्थिति आज के दिन आपकी संतुलित बनी रहेगी, बैलेंस बनी रहेगी, बहुत ही ज़्यादा उछाल या गिरावट देखने को नहीं मिलने वाली। जॉब जो कर रहे हैं लोग, नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए भी आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। पर आप सबको एक ही सलाह दूंगा कि अपनी सेहत का सबसे पहले ख्याल रखें। कोशिश करने से आपको मन मुताबिक सफलता भी मिल सकती है। आज आप अपने रास्ते में आने वाली हर परेशानी का हल खोज लेंगे, बहुत ही आसानी से खोज लेंगे, और कोई शुभ सूचना भी आज के दिन आपको मिल सकती है। कोई बड़ी पहल करनी हो, कोई बड़ा आज आपको डिसीजन लेना हो, तो पहले ठीक से उसकी पूरी प्लानिंग कर लें। आज आप बहुत ही अच्छे सलाहकार भी साबित होंगे, दूसरों को सलाह तो बहुत अच्छी दे देंगे। जो अनमैरिड लोग हैं, अनमैरिड मेल्स हो गए, फीमेल्स हो गए, तो उनको भी आज अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं, और वहीं पे उनकी शादी भी आज के दिन तय हो सकती है। आज के लिए आपका लकी रंग है रेड और आपका लकी नंबर है नंबर 7। बात करते हैं कुंभ राशि की। तो आज आपकी राशि से दशम भाव में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं, जिसके चलते आज का दिन आपके लिए सफलता देने वाला रहेगा। पर्सनली देखा जाए तो आपके पर्सनल मैटर्स में आज आपको कोई बड़ी सफलता भी मिल सकती है, और पेंडिंग बिल जो हैं उनकी तरफ आज आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई ना कोई आपका GST का बिल, ईवे का बिल, या तो इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स, या इलेक्ट्रिसिटी का बिल, टेलीफोन का बिल, कोई भी ऐसा बिल है, मैंने आपको लिस्ट तो बहुत बड़ी दे दी है, पर इसमें से है कौन सा आपके लिए पेंडिंग, उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत आज पड़ेगी। वरना बिना बात लेट फी का, जुर्माने का भी आपको फेस करना पड़ सकता है। आज के दिन पैसों की अगर सिचुएशन को देखा जाए तो आवक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, वहीं पे एक्सपेंसेस भी हाथ में हाथ डाले आगे बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य आज के दिन आपका अच्छा रहेगा। बिजनेसमैन्स के लिए आज लाभ का दिन है, प्रॉफिट्स का दिन है। व्यापार में आपको बड़ी सफलता मिलेगी, वहीं पे नवीन सौदे लाभदायक रहेंगे आपके लिए। मददगार लोग आपको किसी भी मुश्किल पैच को दूर करने में मदद करेंगे। फैमिली लाइफ अगर आज आपकी देखी जाए तो सामान्य रहेगी, और वहीं पे विवाह योग्य जातक जो हैं उनका विवाह संबंध आज के दिन निश्चित हो सकता है। आज के लिए आपका लकी रंग है वाइट और आपका लकी नंबर है नंबर 4। बात करते हैं अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की। तो आज आपकी राशि से नवम भाव में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं, जिसके चलते छात्र पढ़ाई में अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे और वहीं पे अपनी शैक्षणिक गतिविधियों में अधिक से अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। आप कुछ नए अप्लायंसेस खरीदने की भी प्लानिंग आज के दिन कर सकते हैं। हो सकता है मोबाइल हो या कोई भी अप्लायंस जो होता है वो खरीदने का आज आप प्लान बना सकते हैं, और साथ ही कुछ प्रॉपर्टी के सौदे भी कर सकते हैं। किंतु आपकी अपेक्षा के अनुरूप ये सकारात्मक पॉजिटिव नहीं हो पाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो हम सोच रहे थे हम अच्छी मार्जिन में खरीद लेंगे या फिर अच्छा खासा डिस्काउंट ले लेंगे, तो वो नहीं होगा, पर तो भी खरीद करके आप ज़रूर आएंगे।
अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जिम्मेदारियों के प्रति आज आप ईमानदार रहें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप सावधान नहीं हैं, अगर आप ध्यान ना दें, तो आज आपके बच्चे भी आपके लिए एक चिंता का कारण बन सकते हैं। आज के लिए आपका लकी रंग है नीला और आपका लकी नंबर है नंबर 3। तो ये तो हुआ आज का राशिफल। इसी के साथ मैं आज्ञा दीजिए, कल फिर डेली राशिफल लेके आप सभी के समक्ष आऊँगा और बतलाऊँगा कैसा रहेगा 21 जनवरी का दिन आप सभी के लिए। मैं हूँ मोहित कमल श्रीमाली, आपका आज का दिन शुभ मंगलमय और सफलताओं से भरा हुआ हो। आप सभी को नमस्कार, शुभकामनाएं, धन्यवाद एवं जय हिंद।